तो आज जा रही हूँ मैं काली पूजा का पंडाल घूमने के लिए, मेला घूमने के लिए। यहाँ बहुत ही भव्य पंडाल बना है, जैसा कि आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे। तो आज मैं चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का मेला बहुत ही भीड़, काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। मैं यहाँ पास में होकर आज दूसरे दिन मेले के जा रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और मेरे साथ आगे देखने के लिए ब्लॉग में बनी रहे। सबसे पहले मैं ये जेडीएस क्लब की जो पंडाल जहाँ पे बना है उस क्लब का नाम है जेडीएस क्लब। ये जो पंडाल है काफ़ी अच्छा बना है। यहाँ पे जो डेकोरेशन किया गया है प्लास्टिक के ग्लास से डेकोरेशन किया गया है ये पंडाल को। इस पंडाल के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और जहाँ तक कि मैं ये सुनी हूँ कि यहाँ पे कुछ और ही बनने वाला था, बट किसी कारणवश से वो पंडाल नहीं बन पाया, जो कि ये पंडाल बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी तैयार हुआ है और जो कि बहुत अच्छा बना है। तो चलिए मैं अंदर का नज़ारा आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो देखिए प्लास्टिक का ग्लास से चारों तरफ डेकोरेशन किया गया और बीच में भी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ भी आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, मतलब सब लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, इस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। मैं भी करवाई हूँ, 2 से 3 ज़्यादा नहीं करवाई क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मतलब कहीं खड़े हो ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी। मैं 10 बजे निकली थी घर से, बट फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ 3 पंडाल बनते हैं, तीनों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भव्य पंडाल बनते हैं। तो चलिए मैं माता रानी की भी दर्शन आप लोग को भी करवाती हूँ और साथ में मैं भी करती हूँ। बहुत टाइम से यहाँ पे काली पूजा पंडाल बन रहे हैं, अगर आप लोग ने अभी तक नहीं आया तो जरूर आए यहाँ का लुक उठाने के लिए। साइड ही ओटी पाड़ा में ही आपको इतना अच्छा पंडाल काली पूजा का होता है। और यहाँ पे जो फाउंटेन थे ना, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, सब यहाँ पे पिक क्लिक करवा रहे थे, इस वजह से काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे बाहर में दिया गया था जो बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ दूसरा पंडाल, जो कि बहुत ही भव्य पंडाल बनाया गया है। इनके पास बहुत कम जगह है, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा पंडाल बनाया है। ये बाहुबली की जो मूवी है उसमें जो ये महल है उसी पे आधारित ये मूवी, ये आपको ये बनाया गया है पूरा पंडाल। इसे बनाने में 26 से 30 लाख का खर्च हुआ है। तो चलिए आप लोग देखिए और बताइए कि सच में इसे बनाने में 30 लाख का तक खर्च हुआ है या नहीं। और यहाँ भीड़ देख रहे हो आप रास्ते में कितनी ज़्यादा, चाट गुपचुप मोमो पानी पूरी गुल्फी वाले बैलून वाले सब का भीड़ लगा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं बस चलती जा रही हूँ, बस कुछ खा पी भी नहीं रही हूँ। तो मैं दोनों पंडाल अच्छे से घूम ली, उसके बाद कुछ खाई पी। और यहाँ पे दीदी देख रही थी बैंगल्स, तो मैं भी देखने लगी, देखने में क्या ही जा रहा था, बट मुझे पसंद तो नहीं आया एक भी। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, फटाफट से मैं अब आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। वाव, सच में बहुत ही खूबसूरत ये पंडाल है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच में गाइस ये एकदम 26 से 30 लाख का पंडाल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। 3 तो इसमें झूमर ही है, जो तीनों के तीनों झूमर बहुत ही खूबसूरत है। चलिए मैं माता रानी की दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे एक झूमर देखिए आप लोग,
इतनी अच्छी है। और चलिए मैं माता रानी के दर्शन कराती हूँ आप लोग को भी, और मैं भी करती हूँ। और साथ में ही एक अंदर बड़ा सा झूमर है जो कि बहुत खूबसूरत है, कुछ यूनिक है, बहुत ही अलग ये झूमर है। और यहाँ पे जो काली माता भी जो है ना, ये कुछ यहाँ पे तीनों पंडाल से अलग है। इसे शायद इन काली माँ को बम काली कहा जाता है। और आप झूमर देखो ये कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत है। इसे 4 लाख में ये झूमर ही है, बस 4 लाख का। और इसे जो बनाया झूमर, जो टोटल झूमर आप लोगों को पूरा झूमर ऊपर में दिख रहा है, ये 40 जो मजदूर है, कारीगर है, वो बनाए हैं। 40 कारीगर इसको बनाने में लगे। और लाइट आप देखिए कितनी ज़्यादा है पूरे पंडाल को बनाने में। 70 कारीगर लगे थे। और जैसा कि मैं बताई, काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे काम चल रहा था। लाइटिंग आप देखो कितनी ज़्यादा झूमर में, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो ज़रूर आएँ, यहाँ का आनंद ज़रूर लें। बहुत अच्छा यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। वाकई ये देखने लायक है, ये राजस्थान का लुक बहुत अच्छा यहाँ पे लगा मुझे। और फिर उसके बाद मैं लोग बाहर आ गई। दीदी यहाँ पे कप ले रही थी, वाइट कलर का ले रही थी, मुझे नहीं पसंद आया, मैंने कहा येल्लो लो कुछ अलग, तो यहाँ येल्लो वाली। और एक अपने लिए कॉफी कप लिए, जो मेरे ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा। फिर से यहाँ पे पानी पूरी, चाय, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम वाले थे यहाँ पे भी। हम लोग ने कुछ नहीं खाया, हम लोग ने खाया आगे खाई हम लोग आगे भी। और भी ज़्यादा मेला लगा हुआ है बड़ा सा, तो अब चलिए आप लोग को लेके चलती हूँ तीसरा पंडाल, जो केदारनाथ बना हुआ है। अब मैं लेके चलती हूँ आप लोग को तीसरा पंडाल, जो हूबहू केदारनाथ का दर्शाया गया, एकदम केदारनाथ बनाया गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है केदारनाथ जाने के लिए। कुछ हद तक तो केदारनाथ जाने का सपना पूरा हुआ लोगों का। आप लोग दुर्गा पूजा में केदारनाथ घूमे होंगे, बट इस टाइप से केदारनाथ नहीं घूमेंगे। ये कुछ अलग बनाया गया है, पहाड़ एकदम के ऊपर से आपको रास्ता बनाया गया है काली माता के दर्शन के लिए। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ पहाड़ के ऊपर से माता रानी के दर्शन करने के लिए, और साथ में आप लोग को भी लेके चलती हूँ। Thank you.
में मेला लगा हुआ था, फिर हम लोग वहाँ पे आ गए खाने के लिए। फिर मैं मेला जाऊँ और पानी पूरी ना खाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर टेस्टी पानी पूरी खाई, फिर चाट वाले के लिए बहुत वेट की, नहीं मिला। उसके बाद मैं बर्गर ली और मैं घर आ गई, घर पे सब मिलके एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा भीड़ था इस वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं खा पाई, पानी पूरी खाई और चाट के लिए बहुत ज़्यादा वेट की, बट फिर भी नहीं मिला, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो पॉपकॉर्न ली, झाल मुड़ी ली और बर्गर ली, कुछ कुछ खाने के लिए घर पे ही सामान ले रही, घर पे आके रिलैक्स होके खा रही हूँ मैं। तो आप लोग को फुल वीडियो देखने के लिए मिलेगा और काफी ज्यादा अच्छा वीडियो है, काफी अच्छा पंडाल बना है यहाँ पे। तो ये सब कुछ देखिए मेरे ब्लॉग में और मेरे साथ चैनल पे बने रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय।